दोस्तों इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है, एरर आ रही है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एरर आ रही है। ये आप देख सकते हो, यू हैव रीच द लिमिट फॉर द नंबर ऑफ बिजनेस यू कैन क्रिएट एट दिस टाइम। ये एरर शो हो रही है और यहाँ से आगे स्टेप नहीं बढ़ रही है। तो गाइज आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको लाइव सब कुछ करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। और अगर आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये एरर आ रही है तो इसका आपको सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना टाइम गवाए। तो गाइज यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरे भी इसी अकाउंट पर मुझे ये एरर शो हो रही है जब मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच करने जा रहा हूँ। तो गाइज आपको प्रोफाइल ओपन करके ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि मुझे भी वो एरर शो हो रही है, एंड उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज करनी है, उसके बाद डन पे आपको क्लिक कर लेना है। ये देख सकते हो मैंने डन पे क्लिक कर दिया। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अटक रहा है, यू हैव रीच द लिमिट फॉर द नंबर ऑफ बिजनेस यू कैन क्रिएट दिस टाइम। मतलब आपने काफ़ी बार अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में स्विच किया है, प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच किया है और वापस पर्सनल बनाया है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये आपको एरर शो हो रही है। पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में स्विच करते हो तो ये एरर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बैक करता हूँ एंड आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को अनलिंक कर लेना है, मतलब रिमूव कर लेना है आपको। अगर आपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक कर रखा है तो आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, अनलिंक कर देना है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक कर रखा है तो सबसे पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फेसबुक आपको अनलिंक कैसे करनी है, मतलब रिमूव कैसे करना है अगर आपने लिंक करके रखा है। एंड अगर आपने लिंक नहीं करा है तो आपको अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा, और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेंटर का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है अकाउंट्स पर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारे अकाउंट्स जितने भी लिंक होंगे इंस्टाग्राम से वो आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने इसको लिंक करके रखा है इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। देख सकते हो फेसबुक का लोगो भी शो हो रहा है एंड सामने आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है रिमूव के ऑप्शन पर। जैसे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक इंस्टाग्राम से अनलिंक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वापस लिंक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तभी जाके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो गाइज यहाँ पे हम वापस कनेक्ट करेंगे अपने फेसबुक को। तो गाइज यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है एंड नीचे आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर लेना है। तो ये देख सकते हो अकाउंट सेंटर हमारा ओपन हो चुका है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अकाउंट्स पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप अकाउंट्स पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने जो भी आपके अकाउंट होंगे लिंक वो आपको शो हो जाएंगे, देख सकते हो। तो आपको सिंपली ऐड अकाउंट्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो ऐड फेसबुक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये फेसबुक पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो। फेसबुक को लॉगिन करने के लिए कहेगा तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपका अकाउंट इस प्रकार से शो हो जाएगा। एंड अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं याद है तो आप फॉरगेट कर सकते हो, फॉरगेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है वहां पे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के अंदर फेसबुक का ये नाम आ चुका है और फेसबुक मेरे इंस्टाग्राम से लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना है वापस एंड यहाँ पर ऐड उमेश पटेल लिखा हुआ है तो अपने फेसबुक अकाउंट को ऐड करूंगा। तो ये देख सकते हो मेरे फेसबुक अकाउंट लिंक हो चुके हैं इंस्टाग्राम से। तो अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक हो जाएगा। ये दोस्तों पहले ऑप्शन अलग थे, अब ऑप्शन अलग है क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक के काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं, तो ये ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। अब मैं आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैं अगेन अपने इंस्टाग्राम को हटा के ओपन करता हूँ, प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा मैं एंड ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करूंगा। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगेन एंड यहाँ से कोई भी कैटेगरी मैं चूज कर लेता हूँ एक बार एंड डन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेसिंग हो रहा है।
एंड दोस्तों आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप मेरी आ चुकी है। तो देख सकते हो लिखा हुआ आर यू अ क्रिएटर, तो आप क्रिएटर या फिर बिजनेस चूज कर सकते हो। यहाँ से मैं क्रिएटर चूज करके डन पे क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हो मेरी प्रोफाइल प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच हो चुकी है। योर अकाउंट इज रेडी। तो मेरा अकाउंट दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच हो चुका है। देख सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी लिखा हुआ आ चुका है ऊपर, नीचे ऐड टूल्स और इनसाइट्स का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यही है दोस्तों इसका सॉल्यूशन, मैंने आपको लाइव यहाँ पे करके बता दिया स्टेप बाय स्टेप। तो यही आपको फॉलो करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।